पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन क्या होता है, MnO4 नेगेटिव, इसको पर मैंगनेट आयन बोलते हैं। रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन क्या होता है, Br- बेसिक मीडियम है, ठीक है ना, मीडियम बेसिक दिया, क्या बनता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, और ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन होता है Br-O3-, इसको ब्रोमेट आयन बोलते हैं। आपको इसकी बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन लिखनी है, ओके। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको बैलेंस करना है, तो स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप क्या है, राइट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिख ली, पर मैंगनेट आयन लिख लिया, ब्रोमाइड आयन लिख लिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड और ब्रोमेट आयन लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है पता करिए, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, ब्रोमीन का -1, इस मैंगनीज का +4, यहाँ ब्रोमीन का +5। तो अब हमने पता कर लिया कि +7 से +4 जा रहा है ये रिडक्शन है, ये -1 से +5 जा रहा है ये ऑक्सीडेशन है। अब हम निकालेंगे एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो मैंगनीज +7 से +4 गया, चेंज कितने का हो गया, 3 का, तो चेंज है 3 का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, 1, तो एन फैक्टर इसका 3 होता है, हमने लिखा है। इसका देखो -1 से +5 चला गया, तो चेंज कितने का हुआ, 6 का, -1 से +5 6 का चेंज हो गया, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, तो 6 × 1 एन फैक्टर हो गया 6, तो इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 3 है, इसका 3 इसका 6, ये हमने फाइंड कर लिया। ये था कैसे फाइंड करा है वो, हाँ यहाँ लिखा हुआ हमने, एन फैक्टर ऑफ पर मैंगनेट आयन कितना है, नंबर ऑफ एम एन एटम्स इन पर मैंगनेट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम एन, तो 1 एटम 1 है, चेंज 3 का है, तो 3 आ गया। एन फैक्टर ऑफ बी आर माइनस नंबर ऑफ बी आर एटम्स इन बी आर माइनस इन टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आर, सो एटम 1 है, चेंज 6 का है, तो 6, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, टू बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए उतना ही लूज होना चाहिए, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर्स, एन फैक्टर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्या, MnO4 नेगेटिव को Br नेगेटिव के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए जो कि 6 है, और Br नेगेटिव को MnO4 नेगेटिव के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए जो कि 3 है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, देखो 6 और 3 से करना मल्टीप्लाई ना, यहाँ देखो इधर दिखाता हूँ, ये बोल रहा है इसका एन फैक्टर 6 था, इसका 3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से करो। अब कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको काट दो, तो 2 ही रह गया ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, यही यहाँ लिखा, टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर MnO4 नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, Br माइनस को 1 से, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 कर लिया मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करो, बैलेंस करो Mn और Br ऑन बोथ साइड्स, मैंगनीज और ब्रोमीन दोनों साइड है, बैलेंस कर लो। तो मैं पहले वो लिखता हूँ क्वेश्चन, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस Br-O3-, ये क्वेश्चन थी, हमने यहाँ 2 लिख लिया और यहाँ 1 लिख लिया। अब ये 2 और 1 तो फिक्स हो गए, इनको नहीं आप चेंज कर सकते। अब मैंगनीज और ब्रोमीन दूसरी साइड बैलेंस करिए, तो यहाँ मैंगनीज 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ ब्रोमीन 1 है, यहाँ 1 था, ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप के बाद ये बैलेंस होके ये आ गई। कोड हम क्या फॉलो करते हैं, AO HC, सबसे पहले ए बैलेंस करते हैं, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि मैंगनीज और ब्रोमाइड थे वो हमने बैलेंस कर लिए, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, तो देखो यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 3 और यहाँ 4, तो टोटल 7 होगी, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में 7 है, इधर 8 है, 4 × 2 = 8, तो प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन कम है, तो प्रोडक्ट साइड में एक वाटर डाल दिया, हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कोड है AOHC, ए हो गया, ओ हो गया एच, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं,
यूजिंग एच प्लस तो काउंट करेंगे। इधर कितने एच हैं, प्रोडक्ट साइड में दो है, रिएक्टेंट साइड में जीरो, तो रिएक्टेंट साइड में दो एच प्लस डाल देंगे। अभी बैलेंस हो गया, चार्ज यहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चार्ज बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज बैलेंस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने जब एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस कर लिया था वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस, ठीक है ना। ओके, अब उसने क्वेश्चन में बोला था कि मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम तो एच प्लस शो नहीं कर सकते, क्या शो करना है, ओ एच नेगेटिव, तो एच प्लस को हटाना पड़ेगा। एच प्लस को जितने एच प्लस है उतने ही ओ एच माइनस वहां डाल लीजिए, अगर आपने यहां डाले ओ एच माइनस तो ऑपोजिट साइड भी दो ओ एच माइनस डालने पड़ेंगे। एज रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम तो दो ओ एच माइनस दोनों साइड ऐड कर लीजिए ताकि टू एच प्लस को न्यूट्रलाइज किया जा सके। कर लिया, टू एच प्लस के साथ टू एच नेगेटिव डाल लिया, इधर भी डाल लिया, अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दो वाटर, रिप्लेस एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव बाय वाटर, कर दिया ना, ठीक है ना। एच प्लस और ओ एच नेगेटिव मिलके वाटर बन गए, अब वाटर काट दो, यहाँ दो था यहाँ एक था तो इधर एक रह जाएगा। ये रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब ये तीन इक्वेशंस आपको दी हैं, आपको इनको बैलेंस करके दिखाना है, कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आप मुझे फटाफट हेल्प करते रहना। देखो पहला फर्स्ट को उठा लेते हैं, फर्स्ट को उठाएंगे तो ओ एच नेगेटिव को लिखने की जरूरत नहीं है पहले, क्योंकि वो स्पेक्टेटर आयन होता है। ओके, तो पहला क्या है, राइट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में सिर्फ वो स्पीशी लिखते हो जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही होती है, तो P4 PS3 और H2PO2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिख लिया हमने। अब ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, चलो देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड आउट स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है पता करिए, और फिर उनके एन फैक्टर पता करिए। इस रिएक्शन में P4 ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और P4 रिडक्शन हो रहा है, एन फैक्टर फॉर P4 अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज फाउंड सेपरेटली, तो P4 का एन फैक्टर जहां ऑक्सीडेशन हो रही है जहां रिडक्शन हो रही है दोनों को सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा आपको, समझ में आई बात है। P थोड़ी मानते हैं P4, तुम ऊपर MM, जो हमने एन फैक्टर निकाला ऊपर MN O4 नेगेटिव का निकाला है, MN का निकाला, पूरे मॉलिक्यूल का निकलता है ना एन फैक्टर, तो एक एटम का थोड़ी निकलता है एन फैक्टर, ठीक है ना। चलो तो ये क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन था, सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है सेम ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसलिए उस एलिमेंट को दो बार लिखा है हमने, ठीक है ना। तो लिख लिया P4 + P4 PS3 और H2PO2- ये हाइपोफॉस्फाइट आयन है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ फॉस्फोरस जीरो में, यहाँ पे भी जीरो में है, यहाँ पे फॉस्फोरस -3 में है, हाइड्रोजन +1 में है ना, नहीं समझ आ रही बात, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है +1 में होगा, तो फॉस्फोरस -3 में, यहाँ फॉस्फोरस +1 में, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आ गया ना। अब ये क्या है, जीरो से -3 ये रिडक्शन है, ये जीरो से +1 ये ऑक्सीडेशन। अब हम एन फैक्टर निकालेंगे, देखो जीरो से -3 चेंज कितने का हो गया, 3 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने एक मॉलिक्यूल में 4, तो 4 × 3 = 12, एन फैक्टर ऑफ P4 अंडरगोइंग रिडक्शन, मतलब ये वाला जो रिडक्शन जा रहा है उसका एन फैक्टर कैसे निकाला, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स इन P4 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, तो 4 नंबर ऑफ एटम है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 12 इसका एन फैक्टर आ गया 12। सिमिलरली ये 0 से +1 गया, चेंज कितने का हुआ 1 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, तो 1 × 4 4 एन फैक्टर आ गया इसका 4। सो एन फैक्टर ऑफ P4 अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन कितना आ गया, नंबर ऑफ पी एटम्स इन P4 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, तो एटम 4 थे चेंज एक का था तो 4, निकाल लिया हमने दोनों का एन फैक्टर, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या होता है इसके बाद, हाँ मेडी एन फैक्टर से इसका एन फैक्टर है 12, इसका एन फैक्टर है 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है एन फैक्टर्स के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल कर लो, 4 पे दोनों कट रहे हैं ना, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम बैलेंस कर सके, है ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड लॉस्ट वो बैलेंस हो सके। टू बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई P4 अंडरगोइंग रिडक्शन
बाय एन फैक्टर ऑफ पी फोर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं ना, एंड जो कि चार है, मल्टीप्लाई पी फोर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बाय एन फैक्टर ऑफ पी फोर अंडरगोइंग रिडक्शन, एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एन फैक्टर के साथ, इस केस में वो 12 है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए लीव आउट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12, 4 एंड 12 का जो कॉमन फैक्टर है उसको छोड़ दीजिए जो कि 4 है, तो मतलब एक और तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेक बी, फिर करने के बाद क्या करेंगे, फॉस्फोरस एटम को दोनों जगह सेम कर देंगे, तो वो मैं स्टेप ऊपर करके दिखाता हूँ, यहाँ देखो। हाँ यहाँ पे एक ट्रिक है ध्यान रखना, पहले तो इसका एन फैक्टर कितना था, 4, इसका 12, काट के 3 और 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखता हूँ P4 + 3 P4 गिव्स PS3 प्लस H2PO2-, यही लिखा ना मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ट्रिक क्या है, ध्यान रखना, ये P4 कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये P4 कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में सेपरेटली फॉस्फोरस बैलेंस होना चाहिए आपका, समझ में ही बात। जैसे यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं, P4 कितने रिड्यूस हो रहे हैं, 4, तो यहाँ पे 4 लिखोगे आप, ऑक्सीडाइज कितने हो रहे हैं P4, 12, तो यहाँ 12 लिखोगे आप, इंटरचेंज मत कर देना आप, समझ में ही बात। जितने ऑक्सीडाइज एटम हो रहे हैं वो बैलेंस करोगे, जितने रिड्यूस हो रहे हैं वो अलग से बैलेंस करोगे, मिक्स मत कर देना कि फॉस्फोरस या जो मर्जी यहाँ कर दो, ऐसे नहीं करना, समझ में आ गई बात है। तो इसलिए दोनों तरफ बैलेंस करते वक्त यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12, ठीक है। मेक पी एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इक्वल टू पी एटम अंडरगोइंग, हाँ ये यही बोल रहा है कि पी एटम कितने रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, 4, तो टोटल 4 हो गए ना, नहीं इक्वल नहीं, यहाँ यहाँ चेंज कर दो, इक्वल नहीं, यहाँ तो 4 है, यहाँ 12 है ना, ये लाइन लिखने में गलती होगी, मैं चेंज कर दूंगा इस लैंग्वेज को भाई। इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है, पी एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इक्वल टू पी एटम अंडरगोइंग रिडक्शन, तो मतलब 4 = 12 बोल रहे हो, गलत बात लिख रही। मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा था कि जो रिड्यूस हो रहे हैं उनको बैलेंस करो, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उनको बैलेंस करो, ये मैं लाइन चेंज कर दूंगा, आप इसको काट दीजिए, ठीक है। बता दूंगा इसमें, ऐसे लिखो, बैलेंस बैलेंस फॉस्फोरस एटम्स अंडरगोइंग रिडक्शन एंड बैलेंस, ये काट दो, इसमें लिखो बैलेंस पी एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड बैलेंस पी एटम्स अंडरगोइंग रिडक्शन सेपरेटली, बैलेंस लिख ही दिया, बैलेंस पी एटम्स अंडरगोइंग रिडक्शन सेपरेटली, सेपरेटली, ठीक है ना। यहाँ लिखना है, ब्रैकेट में लिख दो, विच इज 4, नहीं विच इज ऑक्सीडेशन कितने हो रहे हैं, 12, ऑक्सीजन 12 की हो रही है ना, विच इज 12 है ना, यहाँ पर रिडक्शन कितने की हो रही है, 4 की, विच इज 4, समझ में आ गई बात है, सेपरेटली बैलेंस कर, हो गया। ठीक ठीक है, हमने कर लिया बैलेंस, हम कोड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, AO सी, ए स्टैंड फॉर एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, को हमने बैलेंस कर लिए। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे ओ, ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, तो बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 24, रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं, तो रिएक्टेंट साइड में 24 ऑक्सीजन कम है, तो रिएक्टेंट साइड में 24 वाटर डाल देंगे, वो हमने बैलेंस कर लिया। अब हम बैलेंस करेंगे एच, एच को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एच प्लस आयन यूज करते हैं, एच काउंट करो इधर कितने एच है,
24 और 12 36, इधर कितने हैं 48। तो 12 कम किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड में 12 कम है, तो 12 एक्स डाल लो प्रोडक्ट साइड में, डाल दिए। अब क्या है, चार तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होता है इसमें, अब मीडियम तो बेसिक है इसलिए आपको 12 एच प्लस को हटाना पड़ेगा। एज रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम एड 12 ओ एच बोथ साइड टू न्यूट्रलाइज 12 एच प्लस, यहां भी 12 ओ एच ऐड कर दिए, यहां भी 12 ओ एच ऐड कर दिए, रिप्लेस एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव बाय वाटर, इन दोनों को कंबाइन करके 12 वाटर बना दो, बना दिया 12 वाटर। अब पानी काट दो, इधर 24 था, इधर 12 था, कट के यहाँ 12 रह जाएगा, 12 रह गया। ओके अब क्या करो, इसको जोड़ दो, ये 1 और 4, अब तो हमने कर ही लिया, जोड़ के 4 लिख दो एक साथ, आगे रिएक्शन। अब क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि 4 कॉमन है सब जगह, यहाँ 4 काट दिया, यहाँ काट दिया, 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कट ही गया, यहाँ कटेगा, 3 बचेगा, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था ओ एच नेगेटिव इसलिए मुझे पता चल गया। क्वेश्चन देखो ये रहा, क्वेश्चन में ओ एच नेगेटिव गिवन है ना, तो हाँ ओ एच नेगेटिव क्वेश्चन में गिवन था इसलिए वो मीडियम बेसिक है। बी पार्ट देखो, सेम प्रोसेस है, अब तो जल्दी जल्दी करा दो मुझे बस। आप देखो ये है स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और उनका एन फैक्टर पता कर देंगे। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ +1 में होता है तो नाइट्रोजन -2 में हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ +5, ये क्लोरेट आयन है, जैसे BrO3 माइनस ब्रोमेट था ना, ClO3 माइनस क्लोरेट आयन होता है, +5 आ गया, ठीक है ना। NO2 में नाइट्रोजन +2 में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है, ठीक है ना। अब चेंज कितने का आ गया, -2 से +2, तो -2 से +2 पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन है, -2 से +2 बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन हुई ना। +5 से -1 ये रिडक्शन है, घट गया ना। अब हम एन फैक्टर फाइंड करेंगे, -2 से +2 चेंज कितने का, 4 का, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल कितने हैं 2, तो एन फैक्टर N2H4 का एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1, एन फैक्टर ऑफ N2H4, नंबर ऑफ एन एटम्स इन N2H4 हाइड्रोजन होता है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन, तो नंबर ऑफ एन एटम्स 2 है, चेंज 4 है, तो 8 हो गया इसका एन फैक्टर। सिमिलरली क्लोरेट का एन फैक्टर +5 से -1, चेंज कितने का आ गया 6 का, नंबर ऑफ सी एल एटम इन सी एल ओ थ्री माइनस कितने हैं 1, तो एन फैक्टर आ गया 1 × 6 6, दोनों का एन फैक्टर आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्प्लिट नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर्स। देखो इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 8 है, तो पहले तो इनका कॉमन फैक्टर काट दो, 2 से काट दो, 4 और 3 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको 3 से इसको 4 से। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम बैलेंस कर सकें, ठीक है ना। कैसे बैलेंस हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ 4 आ गया ना, तो +5 से -1, तो 6 का चेंज है, 6 चौका 24, तो 24 का डिक्रीज हो गया ना। अब इंक्रीज देखो, -2 से +2, चेंज कितने का है 4 का, 4 एक सेकेंड, हाँ 4 × ये 6 हो गए ना नाइट्रोजन के, देखो 3 × 2 6, 6 चौका 24, नहीं समझ रही बात। नाइट्रोजन के एटम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है 6, 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 3 × 2 = 6 हो गए ना, तो 6 नाइट्रोजन के एटम है, 6 एटम है ना, चेंज कितने का हो रहा है, -2 से +4, 4 का, 24 का चेंज हो गया ना। यहाँ देखो क्लोरीन का +5 से -1, चौबीस +5 से -1, चेंज कितने का 6 का, एटम्स कितने हैं 4, 24, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर हमने बैलेंस कर लिया। क्यों किया बैलेंस, क्योंकि इंक्रीज एंड डिक्रीज से बैलेंस करने से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ, समझ में आई बात है।
चलो तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 4 से। अब हम कोड फॉलो करते हैं, ए ओ एच सी। ए का मतलब एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि इस केस में नाइट्रोजन और क्लोरीन है। तो पहले वो बैलेंस करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। यहाँ क्लोरीन कितने हैं 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। ए ए बैलेंस कर लिया हमने, देखते हैं नीचे, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं यूजिंग वाटर। अब इधर कितने ऑक्सीजन है 6, इधर 12, इधर तीन तो 3 ही लिखा है, 3 और 4, इधर 6 और 4। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने कम है, 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कम है, तो प्रोडक्ट साइड में 6 वाटर डाल दिए। ठीक है ना, हो गया बैलेंस, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसमें हाइड्रोजन पहले से बैलेंस, चार्जेस पर कर लूंगी, हो गई बैलेंस। ए और ओ सी हो गया, एच ऑलरेडी बैलेंस था इसमें। ठीक है ना, अगला देखिए, ये इक्वेशन बैलेंस करनी है आपने। तो पहले हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख ली, अब हम करेंगे सारे स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड और उनका एन फैक्टर फाइंड करना है। तो क्लोरीन का है +7 है, ये क्या एच टू ओ टू, क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, है ना। यहाँ पे क्लोरीन +3 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में है, तो ये +7 से +3 ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। -1 से 0 ये क्या हो गया, -1 से 0 तो बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब निकालेंगे एन फैक्टर, यहाँ +7 से +3 चेंज कितने का है, 4 का चेंज है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन के कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो एन फैक्टर हो गया 8। इसका एन फैक्टर बताओ, चेंज कितने का है, -1 से 0 चेंज, चेंज -1 से 0 चेंज 1 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, तो एन फैक्टर हो गया 2। तो इसका एन फैक्टर 8 है, इसका एन फैक्टर 2 है, पहले तो इनका कॉमन फैक्टर काट दो 4। W2 इधर H2O2 है, O2 नहीं है इधर, ठीक है ना। तो इधर 8 क्या करा था मैं, 8 और 12 आ गया था ना, तो 4 इसका कॉमन फैक्टर, तो क्या बचेगा 2 और 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, टू बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई समझ में, 12 है, सॉरी गलती कर दी मैंने, दो सॉरी सॉरी सॉरी, समझाते अरे नहीं वो बीच में कोई बात नहीं। इसका एन हैं फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 8 है, काट दो, तो ये 4 बचा, 4 और 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर्स के साथ। जो हाँ ये बात दोबारा बताता, एन फैक्टर निकल गए थे, कर एन फैक्टर इसका 2 आ गया, उसका रहे 8 आ गया, तो इसका एन फैक्टर 8 है, इसका एन फैक्टर 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले काट देते हो ना, कॉमन फैक्टर 2 था, 2 से कट गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 से, इसको 1 से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, टू बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात समझ में आ गई कि इंक्रीज और डिक्रीज क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे बैलेंस होता है, ठीक है ना। ओके तो अब हम कोड फॉलो करेंगे, ए ओ एच सी, ए स्टैंड फॉर एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे ए कौन सा है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये फिर से ट्रिक है, यहाँ पे फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे ए है क्लोरीन इस वाले मॉलिक्यूल में, यहाँ पे ए है ऑक्सीजन इस वाले मॉलिक्यूल में, समझ में आई बात है। तो आपको मैं फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, पक्का गलती होगा। यहाँ H2O2 के सामने मैंने क्या लिखा था, 4 ना, यही था ना, यहाँ 1 ऐसी था ना। अब पता क्या, इसमें जितने ऑक्सीजन है यहाँ भी उतने ही होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुए हैं दोनों तरफ वो बैलेंस होने चाहिए, समझ में आई बात, जितने ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हैं वो दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज हुए, 8 है, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ और भी तो ऑक्सीजन थे, उसको नहीं काउंट करना अपने बीच में,
जितने ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज में पहले उनको बैलेंस करो, ए बैलेंस करना आपने पहले, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ चार चार था, तो यहाँ चार से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पे आठ कर दिए। यहाँ देखो क्लोरीन दो था, यहाँ पे दो करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ए बैलेंस कर दिया, अब ओ बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग वाटर। ये जो ओ बैलेंस करते हो ना, ये ओ माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। यहाँ पे ए में जो ओ आया था वो माइनस वन और जीरो वाला था, वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात है? यहाँ तक हम पहुंच गए, ए बैलेंस कर लिया, तो नीचे देखते हैं यहां तक हम आ चुके हो। ये देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ चार और यहाँ, यहाँ दो और यहाँ चार, यहाँ चार और यहाँ एक, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाँ, बैलेंस ऑक्सीजन विच इज नॉट अंडरगोइंग रिडॉक्सिलेशन, AOHC है ना, ए हमने बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट ओ, ये ओ कौन सा है जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो वाला बैलेंस करना है। इसको तो हटा ही दो, ये तो हमने बैलेंस कर ही लिया। बाकी देखो इधर कितने हैं, चार, इधर कितने हैं, सात, ठीक है ना। तो सात इधर है, इधर चार है, तो तीन कम है प्रोडक्ट साइड में, तो तीन वाटर डाल लिया हमने। समझ में आ गया ना, वो बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यूजिंग एच प्लस, हाइड्रोजन काउंट करो इधर कितने हैं, छः, इधर आठ, इधर आठ है, इधर छः है, तो दो कम किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड में दो कम है, तो दो वहां पे एच प्लस डाल दो। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। क्लोरीन इज यूज्ड टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, पता है ना ये बात, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरीन डालते हैं ताकि प्योरीफाई हो सके, स्विमिंग पूल में भी डालते हैं। एक्सेस ऑफ क्लोरीन हार्मफुल होती है, द एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस क्लोरीन को हटाने के लिए उसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है। प्रेजेंट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिडॉक्स रिएक्शन, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक इक्वेशन लिखिए। अब सबसे पहले ट्रिक ये, आपको यही नहीं पता होगा प्रोडक्ट क्या है, उसने तो रिएक्टेंट दे दिए Cl2 और SO2, प्रोडक्ट दे दिए ना, सॉरी रिएक्टेंट दे दिए Cl2 और SO2, प्रोडक्ट तो दिए नहीं, तो आपको गैस करने पड़ेंगे केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ, ठीक है। क्लोरीन देखो, क्लोरीन रिएक्टेंट पता चल गया Cl2 और SO2, ठीक है। अब ना इसमें क्लोरीन ना रिड्यूस होगा, SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात याद कर लो, SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्लोरीन को रिड्यूस कर देता है। अब अगर क्लोरीन की रिडक्शन होनी है, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीजन नंबर कितनी है, जीरो, जीरो से अगर रिडक्शन करनी है तो जीरो से कम हो जाएगी ना ऑक्सीडेशन नंबर, -1। जो हैलोजन होते हैं ग्रुप 17, उनका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2NP5। जैसे क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या है, क्लोरीन का बताओ, 17 एटॉमिक नंबर है, क्या है कॉन्फिगरेशन, नियॉन, कॉन्फिगरेशन नियॉन 10, फिर आगे थ्री एस टू थ्री पी फाइव। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो आर्गन बन जाएगा ना, मतलब क्लोरीन सिर्फ एक ही और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक से ज्यादा तो करेगा नहीं। तो क्लोरीन की मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, ये बात समझ में आई, क्योंकि क्लोरीन एक से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा नहीं तो -1 हो जाएगा, दो तो नहीं करता ना एक्सेप्ट, तो क्लोरीन की मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -1। तो अगर आपने Cl2 को रिड्यूस करना है तो Cl माइनस ही बनेगा ना, और क्या बन सकता है। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई बात, Cl माइनस बनेगा। अब सल्फर यहाँ पे +4 में है, अगर क्लोरीन की रिडक्शन हुई है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर यहाँ +4 में है, सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ओके। इसकी कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट होती है NH2NP4, सल्फर की होती है 3S2, क्लोरीन के पहले ही आता है सल्फर, क्लोरीन का 17 सल्फर का 16 होता है, तो 3S2 3P4 यही होता है ना। तो सल्फर के जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो पता कौन से हैं, अगर ये चार इलेक्ट्रॉन लूज कर दे 3P4 वाले तो ये +4 कहलाता है, अगर 3P4 3S2 दोनों लूज कर दे तो +6 कहलाएगा। अब +4 के बाद ये +6 ही बनता है, +5 कम बनता है, ऐसा नहीं, नहीं बनता, ज्यादातर +6 बनता है। समझ में आ गई बात है? तो SO2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो +6 में चला जाता है, और +6 वाला कंपाउंड अगर वाटर में हो तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, भाई सल्फर +6 में पानी के साथ रखा आपने तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा,
करेगा ना। देखो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, सल्फर नॉन मेटल, नॉन मेटल को पानी के पानी में डाल दो तो नॉन मेटल के ऑक्साइड नहीं बनाते, वो एसिड नहीं बनाते, ये तो पता है आपको। तो नॉन मेटल ऑक्साइड सल्फर है तो उसका एसिड H2SO4 ही बनेगा ना पानी में, नहीं समझ मेरी बात। H2SO4 में सल्फर +6 में होता है। SO2 जब भी पानी में हो और वो ऑक्सीडाइज हो जाए हमेशा सल्फेट बना दिया करो, हमेशा, समझ में आई बात। SO2 पानी में हो और वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप सल्फेट बना दो, पूरी केमिस्ट्री में सल्फेट ही बनेगा, समझ में आई बात है। हाँ तो +6 में हो गया ना, +4 से +6 चला गया, समझ में आ गई बात है। तो प्रोडक्ट बना लोगे तो केमिकल रिएक्शन ना रटने नहीं होती, थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो ऐसे हो जाती है, ठीक है ना। Cl- और बना लिया सल्फेट, अब ये आपको खुद बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाए क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। चलो ये हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख ली, तो स्केलेटल इक्वेशन फॉर दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज दिस, लिख ली हमने स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करेंगे, अब तो बैलेंस तो हम कर ही लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए पहले क्या करेंगे, एन फैक्टर फाइंड करो, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं उनका एन फैक्टर फाइंड करो। अब तो हम कर ही लेंगे, देखो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ -1, तो चेंज कितने का आ गया, एक एक का। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दो, तो एन फैक्टर 2 होएगा ना, चेंज ठीक कर लो, एन फैक्टर यहाँ 2 आएगा, 2 यहाँ 2 लिखा हुआ था, ठीक है। तो 2 × 1 2 आ गया एन फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो SO4 +4 से +6 चला गया, तो चेंज कितने का है, 2 का है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, तो 1 × 2 2, एन फैक्टर इसका भी 2 है, दोनों का 2 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2, काट दो तो 1 1 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 1 1, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 1 तो पहले से था, तो हमने एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोड क्या फॉलो करेंगे, ए ओ सी, ए मतलब एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि क्लोरीन और सल्फर है, तो वो बैलेंस करो। यहाँ पे क्लोरीन 2 था इस तरफ, तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ सल्फर 1 था, यहाँ 1 लगाओ, इतना कर लिया हमने। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं पहले, कर लिया इतना। इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, कोड है AO HC, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बैलेंस कर चुके हैं हम। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे यूजिंग वाटर, काउंट करो, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 4, तो प्रोडक्ट साइड में 2 ज्यादा है, तो रिएक्टेंट साइड में 2 कम है, तो रिएक्टेंट साइड में 2 बॉटल डाल दिए। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन यूजिंग H+, काउंट करो, इधर 4H+ है, इधर है ही नहीं, तो प्रोडक्ट साइड में 4H+ कम है, तो प्रोडक्ट साइड में हमने 4H+ डाल दी, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया।